हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप बहुत बुरे हैं हम। सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए ब्लॉग को जल्दी से शुरू करते हैं। ये शाम का वक्त हो रहा है, शाम के वक्त में हम निकले हैं घर जाने के लिए। अच्छा, हमको सिखा रही है क्योंकि रात भर बारिश हो रही थी, दिन में भी बारिश हो रही थी, तो बारिश जब छूट गई तो हम लोग निकले सफर पे। अच्छा, तो व्यू देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा, कितना मीठा लग रहा है। और बादल भी हल्की हल्की लगी हुई है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी तो बारिश होना ज़रूरी था। बारिश होने के बाद मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, तो ओके। बस बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा फील जो होता है। ये जाते जाते शाम हो गई तो ये सूरज जो ढलता है बहुत प्यारा लगता है देखने में मुझे। यहाँ आफिया वेट कर रही है कि नानी गांव हम जल्दी पहुँचे, क्योंकि नानी गांव जाने की जल्दी रहती है। रास्ते में बारिश भी होने लगी तो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि देखिए बारिश हो रही है। बारिश की जो हल्की हल्की बूंदें पड़ती हैं हाथ पे तो बहुत अच्छा लगता है, मीठा मीठा फील होता है, ठंडापन। यहाँ धीरे धीरे बारिश तेज़ होने लगी है, देख सकते हैं गाइस आप, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। यहाँ हाईवे पे जो ढाबा होता है उस ढाबे पे आफिया रुकी है, हाई कर रही है। आफिया को जोरों से भूख लग रही है तो बस ढाबा पे नाश्ता करने के लिए रुकी हुई है। आफिया यहाँ समोसा खा रही है गाइस, देख सकते हैं आप। रास्ते में शादी भी हो रही थी, बारिश भी हो रही थी और दूल्हे की गाड़ी जा रही है, बराती और दूल्हे बाबू बारिश में नहा नहा के झूम झूम के सब बारात एंजॉय कर रहे हैं। तो बस मैं ब्लॉग में आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखिए। और परेशानी भी बहुत हो जाती है बारिश अगर हो गई तो, शादी वगैरह में बहुत परेशानी बढ़ जाती है लड़की वालों के लिए, तो क्या कर सकते हैं, ये तो कुदरत का दिया हुआ बारिश है। और इस बारिश के लिए गर्मी पड़ रही थी तो सब इंतज़ार कर रहे थे बारिश हो बारिश हो, तो बस अल्लाह का करम है, अल्लाह का रहमत बरसता है। और यहाँ देखिए 7-8 बज रहे हैं तो बस हम लोग अब पहुँचने ही वाले हैं नानी घर। आज ईद होने वाली है और आज भी बारिश हो रही थी तो दोनों खस्सी यहाँ पे कुर्बानी के लिए रखा हुआ है, नमाज होने के बाद कुर्बानी होगा। तो बारिश इतनी हो रही थी कि ईद का मज़ा भी किरकिरा हो गया, मगर व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। बारिश होता है तो बहुत प्यारा लगता है, तो थोड़ी सी परेशानी हो जाती है पर्व वगैरह में अगर बारिश हो जाए तो। और जब कुर्बानी हो रही थी हर जगह तो ऑलमोस्ट बारिश ही हो रहा था। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। यहाँ मौलाना साहब आ गए कुर्बानी करने के लिए। साइड प्लीज। नमाज पढ़ने के बाद रेहान हल्का भींग कर आया है मस्जिद से, तो मूड अपसेट बना हुआ है। और बच्चे लोग भी बाहर खेल कूद नहीं रहे क्योंकि बारिश हो रही है, कीचड़ हो गया है। अब भैया दरवाजे पे छोटे से बाबू को लिए हुए खिला रहे हैं, तो अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सेहत सलामत रखे। यहाँ रेहान बाबू और छोटे से बाबू के साथ खेल रहा है तो अच्छा लगता है। घर में जब छोटा सा एक बाबू होता है तो बच्चे लोग का टाइम अच्छे से गुजर जाता है। यहाँ आफिया नाना का गार्डन में से फूल की पत्ती तोड़ ली है, तो आफिया को बहुत शौक हो रहा था कि ये फूल लें वो फूल लें, तो मैं बोली चलो निकाल देती हूँ तोड़ कर। तो ये सब फूल देखे मेरे अब्बा बहुत प्यार से लगाए हुए हैं दरवाज़ा पे और बहुत प्यार से इसका ख्याल भी रखते हैं। और बारिश जब हो रही है तो पेड़ और फूल दोनों खिला खिला सा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बारिश के दौरान जो है ना पेड़ पौधा ज़्यादा खुश हो जाता है, तो एकदम हरियाली हरियाली हो रही है, खिला खिला सा पेड़ पौधा। यहाँ से एक रॉकेट जा रहा था, तो गाइस आपका इसका मौसम है बहुत सुहाना और आज एक रॉकेट जा रहा था आसमान की ऊंचाइयों में। गाइस अब हम लोग घर के लिए लौट रहे हैं, ईद अच्छे से गुजर गई, बच्चे लोग अच्छे से एंजॉय कर लिए। नाने गांव से घर आने के लिए तैयारी नहीं होता है दोनों, क्योंकि खेलने कूदने का अच्छा सा माहौल बन जाता है, कहता है यहीं और दिन रहेंगे, तो पढ़ाना तो पड़ेगा, पढ़ाई वगैरह भी रहता है। तो बस घर लौटे और बच्चों को भूख भी लग गई थी तो होटल आए खाने के लिए, पेस्ट्री केक बहुत प्यारा प्यारा बहुत टेस्टी था। तो बस ये लोग का डोसा फेवरेट है तो मसाला डोसा ऑर्डर किए, फिर
फिर बच्चे लोग मसाला डोसा जम कर खाएँ, फिर हम लोग डेरा पे आ गए। तो गैस ये मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो ईद का तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।